हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था आपको 8 बजे दूसरा लेक्चर मिल जाएगा लाइट का। हम लोग फिजिक्स का भी सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइट का आप लोगों ने कुछ पार्ट जो है वो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके आगे के फिनोमेनन अब 10th में आएंगे। ठीक, तो बेसिकली अगर हम देखें तो लाइट क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होती है, प्लस आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ा था। ठीक है, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लाइट क्या है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। ठीक, मतलब जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, दैट इज लाइट। लाइट क्या है, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है हमारी आईज में जो लेंसेज हैं उनसे, जो मिरर इमेज बनता है, जो इमेज बनता है लेंसेज की वजह से हमारी आईज के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है ना, सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, राइट। अच्छा, अब आपके इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर है, फिर मिरर फॉर्मूला है और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मिरर आपने पढ़ा था, प्लेन मिरर। अभी क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, उसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। देन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है कि इमेज कितनी छोटी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, राइट। अभी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, इसके बाद स्फेरिकल लेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इतने ये टॉपिक है जो आपके 10th में है। ओके, अब हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिएगा, इट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो इस तरह की चीज आप लोगों ने देखी होगी कि लाइट यहाँ पे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, किसी मीडियम पे पड़ी, ऑब्जेक्ट पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां पे लाइट, जैसे ये सनलाइट है, देखो सनलाइट है, सनलाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, देखो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन बताती हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट, व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव्ड बाय अवर आईज इट इनेबल्स अस टू सी थिंग। है ना, जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आईज उसको रिसीव करती हैं, फिर उसका इमेज हमारे आई के रेटिना पे बनता है। ठीक है ना, और हम उस चीज को देख पाते हैं, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वेरी नेसेसरी कि हम चीजों को देख पाए। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे रिफ्लेक्शन के दो लॉज, क्या क्या लॉज थे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑफ द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या मतलब है इन दोनों का, देखो इन दोनों का मतलब क्या है कि ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे ये लाइट आई और लाइट आके ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है इस पॉइंट पे ये लाइन विच इज 90 डिग्री विद दिस मीडियम और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल है
एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। द इंसिडेंट रे ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये तीनों ऑब्जेक्ट पे एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। मिरर देखो, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अभी नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब उस नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट दैट पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक। ये हमारे दो लॉ थे, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा। अच्छा अब जो इमेजेस बन रही थी प्लेन मिरर से, ठीक है, वो भी हमने देखा था कि इमेजेस कैसी कैसी बनेंगी, ठीक। मैं इसको हटा दूं जरा रेड रेड, सो दैट आपको बता पाऊं कि इमेजेस कैसी कैसी आती हैं प्लेन मिरर पे, ठीक है। अच्छा अब प्लेन मिरर पे जो इमेजेस बन रही थी किसी ऑब्जेक्ट से, वो कैसी थी? एक तो वर्चुअल, ठीक है ना। वर्चुअल मतलब जो रियली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। आप अगर मिरर के बाहर हो तो आप मिरर के अंदर नहीं हो, राइट। तो कैसी बन रही थी? वर्चुअल। दूसरा कैसी बनती है? इरेक्ट। थर्ड कैसी बनेगी? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितने बड़े आप मिरर के बाहर दिख रहे होगे ना उतने ही बड़े आप मिरर के अंदर दिख रहे होगे, ठीक है। कुछ स्पेशल मिरर बनाए जाते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है, बट एक प्लेन मिरर में आप जितने बड़े बाहर दिखोगे उतने ही बड़े मिरर के अंदर दिखाई दोगे, ठीक है ना। चौथी चीज क्या है कि अगर जैसे ये मिरर है, ठीक है, और आप मिरर से यहाँ पे 2 फीट की डिस्टेंस पे खड़े हैं यहाँ, तो आपका इमेज भी ना मिरर के अंदर 2 फीट की डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। तो आप मिरर से जितना दूर खड़े होंगे आपका इमेज मिरर में उतना ही अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। मिरर के अंदर उतना ही अंदर दिखाई दे रहा होगा जितनी दूर आप मिरर से खड़े होंगे, ठीक। अच्छा इसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ है लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ठीक है ना। लेटरली इन्वर्टेड इमेज मतलब अगर आप अपना राइट हैंड भी उठाओगे तो वहां पे आपको अपना लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा, लेफ्ट उठाओगे तो राइट हैंड उठता हुआ दिखेगा। आपका वाला राइट मिरर के अंदर वाले का लेफ्ट होगा, आपका वाला लेफ्ट मिरर के अंदर वाले का राइट होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 बताए मैंने, एक वर्चुअल, दूसरा इरेक्टेड, तीसरा सेम साइज, चौथा ये डिस्टेंस वाला, ठीक है ना, कि जितना बाहर उतना अंदर, जितना मिरर के बाहर आप रहोगे उतना ही मिरर के अंदर उतना दूर आपका इमेज बन रहा होगा, और फिफ्थ क्या है, ये लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये सारे हैं यहाँ पे दिए भी हुए हैं, ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट वर्चुअली वर्चुअल इमेज, दूसरी इरेक्टेड, थर्ड इमेज इज इक्वल इक्वल टू द ऑब्जेक्ट जितना सेम साइज मतलब, फोर्थ द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर मतलब वही जितना बाहर उतना अंदर, और फिफ्थ लेटरली इन्वर्टेड, समझ में आया। ये तो हम लोगों ने जो पिछली वाली क्लास में पढ़ा था ये तो उसका रिव्यू था पूरा एक, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन सारा जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड है। ये रिफ्लेक्शन आपको मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अब जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे ना तो हम उसमें रिफ्लेक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अगर एक स्फेयर का एक पार्ट कट किया जाए ना जो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आपके कुछ इस टाइप का, मेरा उतना करवा नहीं रहा सही, एक स्फेयर का कुछ पार्ट कट किया है, ठीक है ना। एक ये मिरर, ठीक। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर
may be curved inward or outward. मतलब ये inward curve है और ये outward curve है. Sorry, उल्टा बना दिया मैंने इसको. ये inward inward curve था और देखो outward curve जो होगा ना उसमें क्या होगा, उसमें अंदर की साइड का जो होगा वो पेंटेड होगा. ठीक है, ये इनवर्ड कर्व है, ये आउटवर्ड कर्व है. अब इनवर्ड मतलब देखो जैसे ये अंदर की साइड का ना, तो ये केव टाइप बनता है ना. केव कैसी होती है, केव ऐसी ही होती है ना, सी जैसी. तो ये केव टाइप बनता है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. ठीक है, और जो दूसरा हुआ वो हो गया कॉनवेक्स मिरर. ठीक है ना, जिसमें केव टाइप की है दैट इज कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा है वो है कॉनवेक्स मिरर. ठीक है, याद रहेगा. ड्राइंग बहुत गंदी बन रही है इस पेन से मेरी, ठीक है, बट मैनेज कर लेंगे हम लोग. ओके, अच्छा, तो ये सब जो ड्राइंग बनाया है मैंने यहाँ पे हटा दू फटाफट. ठीक, तो ये याद रहेगा ना, कॉनकेव मतलब जिसमें केव है और दूसरा वाला कॉनवेक्स. ठीक है, अब देखिए, अ सर्कल मिरर whose reflecting surface is curved inward, बताया था ना जिसमें inward surface है, that is concave. ठीक है, a spherical mirror whose reflecting surface is outward, that is convex. बाहर वाला convex, अंदर side जिसमें है वो concave, अंदर side से reflection हो रहा है that is concave, जिसमें बाहर side से reflection हो रहा है that is convex. ठीक है, तो cave से concave याद रखिएगा. ओके, अब देखिए, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल. अब देखो मैं फिर से ड्राइंग बनाने जा रही हूं. ठीक है, अच्छा सा एक कर्व भी बना लेते हैं, इसमें से कट करके बनाऊंगी मैं कर्व. देखिए, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट दैट इज पोल. ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम टी से, और ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है. ठीक है, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के ही सरफेस पे है. ठीक, द पोल यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी. तो याद रहेगा ना पोल किसे कहते हैं. अब देखो अगर ये कॉनकेव होगा तो इसका ये वाला जो पोर्शन होगा बाहर वाला वो पेंटेड होगा, और अंदर वाले से रिफ्लेक्शन होगा. ये केव वाले से रिफ्लेक्शन हुआ तो कॉनकेव, और बाहर वाले से रिफ्लेक्शन हुआ तो कॉन्वेक्स. ठीक है, ओके, अब इसके बाद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर. अच्छा ठीक है, देखो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये बताना है. देखो ये जो मैंने बनाया है ना कर्व, ये कर्व किसी स्फीयर का पार्ट होगा, राइट? ये जो कर्व बनाया है ये कर्व किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा. तो अब ये जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा, देखो ये बनाया मैंने स्फीयर, ठीक है, अब इस स्फीयर का सिर्फ इतना पार्ट हमने लिया है, सिर्फ यहां से यहां तक. ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट लिया, तो ये पार्ट क्या बन गया, एक ये पार्ट बन गया एक मिरर. ठीक है ना, हमने इसका बाहर की साइड का पेंट कर दिया. अब बाहर की साइड का पेंट अगर हमने कर दिया तो ये केव वाला जो पोर्शन है इससे रिफ्लेक्शन होगा, और ये केव वाला पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर. ठीक है ना, तो अब जो इस स्फीयर का सेंटर होगा ना, इस स्फीयर का सेंटर ये, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर. ठीक है ना, तो ये जो सरफेस है ये एक स्फीयर बनाती है. द स्फीयर हैज अ सेंटर, तो इस स्फीयर के पास एक सेंटर है, तुमको पता ही है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट करते हैं हम सी से. ठीक, अच्छा एक चीज और,
कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा जो हमने पढ़ा था पोल यानी पी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, ये दोनों एक ही लाइन पे होते हैं भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, ये तो पता ही है भाई कि मिरर किस सरफेस पे थोड़ी ना, वो तो बाहर है, पार्ट ऑफ मिरर। इट लाइज आउटसाइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ बिल्कुल बाहर रहेगा ये तो। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। अब मैंने कॉनकेव बनाया था ना, कॉनकेव में देखो ऊपर बनाती हूँ, यहाँ पे नीचे कहानी लिख गई है बहुत सारी, तो मैं इसको इरेज करके ऊपर आपको बना के देती हूँ, ठीक। अब देखना दोनों बना लेते हैं, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये है कॉनकेव क्योंकि केव वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये है कॉनवेक्स क्योंकि आउटर पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। ये पॉइंट क्या था, पी, इसके लिए भी ये पॉइंट क्या था, पी, कौन सा वाला, ये मिड पॉइंट ये वाला, ठीक है। अब इसका स्फीयर ऐसे बन रहा होगा, ऐसे स्फीयर अगर बन रहा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ सी होगा इधर, यानी मिरर के सामने, ठीक है ना। और इधर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ यानी मिरर के बैक साइड पे, ठीक है ना। ये सर्कल तो ऐसे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा यानी मिरर के बैक साइड पे, ठीक है ना। अब देखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉनवेक्स मिरर। समझ में आई ये चीजें दोनों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे और जो इसकी डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे, क्या है देखो, देखो अब इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, देखो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो भी हमने स्फीयर बनाया था ना उसका जो रेडियस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फीयर का रेडियस जो होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा अब इस लाइन के बारे में बातें हो रही, भाई ये जो दोनों दोस्त थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये जिस लाइन पे रहते हैं ना उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द नंबर ऑफ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर एंड दे आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब देखो बना के बताती हूँ मैं, ये दोनों चीजें कॉनवेक्स और कॉनकेव में, ये बनाया, अब यहाँ पे चाहिए हमको स्ट्रेट लाइन, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक पूरी आगे तक बना लेते हैं, दोनों एक ही पे बना लूंगी मैं फिर, ठीक। अच्छा और इस स्ट्रेट लाइन के साथ में क्या बोला है कि जो भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, जैसे ये सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको पैरेलल टाइप कुछ दिख रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, ये सी था और ये पी है, ठीक है। अब देखना यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो लाइट्स हैं, ये जो लाइंस है ना, ये एक ही पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, इस तरह से
समझ में आया? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव है क्योंकि के वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है. द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर, दे ऑल आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. समझ में आया ना ये चीज, ठीक है. अब देखो, अब सेम हम कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं. कॉन्वेक्स के लिए तो ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर बनाया. अब इस मिरर पे हम लाइट्स बनाएंगे. लाइट्स आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है. और मैंने ये बनाया, ठीक है. अब ये लाइट्स तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये कुछ ऐसे चली जाएंगी, ये इधर जाएंगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी. बट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा ना, जब इनको हम बैक साइड पे बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी हम, ठीक है. ये जिस भी पॉइंट पे ऐसे मिलती हुई नजर आएंगी वो पॉइंट, ये वर्चुअली मिल रही है क्योंकि यहाँ तो रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, ये लाइन, ये पॉइंट लाइन यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो ये वर्चुअली मिलती हुई नजर आएगी इस तरह से. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना जहां पे वर्चुअली मिलती हुई दिख रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है ना. ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसमें ये अलग अलग है दोनों, ठीक है ना, ये अलग है और इसमें अंदर की साइड में पेंट है, मतलब ये एग्जैक्टली मिल नहीं रही है, ये सिर्फ आपको मिलती हुई लग रही है कि बाहर के यहां से आके हो तो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लाइन सीधे ऐसे आ रही है और आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे ये लाइन सीधे आ रही है आके रिफ्लेक्ट हो रही है. बट बाद में अगर इनको हम डॉटेड डॉटेड बढ़ाते हैं तो ये हमको यहाँ पे मिलता हुआ ऐसा लगता है, हम अज्यूम करते हैं कि ये ऐसे यहाँ पे मिल रही है, ऐसे मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, समझ में आया. तो द कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रेज अपियर्स टू फॉर्म अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. समझ में आया ना, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है और पोल क्या होता है, तीनों चीजें अच्छे से समझ में आई. अभी भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार डाल देना, जो भी आपको पॉइंट ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन पे डाल देना, ठीक है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक. अच्छा अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस, अब यहाँ पे ये पोल था, ये पोल था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये है फोकस. तो ये एज्यूम है, माना जाता है कि जो, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और फोकस लेंथ कितनी है, ये है, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये है फोकस, ठीक है ना. तो जो फोकस लेंथ होती है दैट इज टू टाइम ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, याद रहेगा. द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, और जो आर होता है, यानी आर क्या था, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऊपर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, ओके. इतना समझ में आया सबको. द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. अच्छा आप देखो अपर्चर क्या होता है, ये भी एक अच्छी चीज है याद रखना, अपर्चर क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर उस स्फेयर का नहीं, डायमीटर किसका, डायमीटर जो, देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसको बना के,
ये स्फेयर है, ठीक है? इस स्फेयर के इस पार्ट से सिर्फ इस स्फेयर के सिर्फ इतने पार्ट से हमने मिरर बनाया, ठीक है ना? तो इतने पार्ट से जब हमने मिरर बनाया तो ये बाकी का पार्ट हमने कट कर दिया। अब मिरर सिर्फ इतना है, ठीक है? तो इस मिरर का जो ये डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की, दैट इज कॉल्ड अपर्चर ए, ठीक है ना? इस स्फेयर का डायमीटर नहीं, इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, मिरर के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस अपर्चर होता है। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, नॉट स्फेयर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसके बाद हमारा इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कि इमेज कैसे कैसे बनाई जाती है, बट आज के चैप्टर में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आप पहले थोड़ा सा पीछे का रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छे से पढ़िएगा, और मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इमेज फॉर्मेशन का मैं कल पढ़ाऊंगी, और उसके साथ में मैं कल रिफ्रेक्शन भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना? तो हमारा टाइम मॉर्निंग का टाइम है मैथ्स की क्लासेस का, और इवनिंग का टाइम है फिजिक्स की क्लासेस का। जितना मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है ना? इस बार के जो भी मार्क्स होंगे वो पूरे आपके ही होंगे, किसी का कोई योगदान नहीं, सिर्फ आपका ही योगदान। ओके, टिल देन कोई भी डाउट हो तो मुझे लिखिए, एंड